तुम्हें वैसे ही समझा दो इस बार फिर ये। अरे यार पता है ये तुम इतना है ना टाइट टाई वगैरह पहन के मत आया करो, मतलब बड़ा वो लगता है, गर्मी लग रही होगी ना ये। अरे सर सर ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं आपके स्टूडेंट हूँ। अच्छा पिछली बार तो सही किया था ना मैंने, चलो ना इस बार देख तुझे पास होना अच्छे नंबर से। हाँ। तो मेरा कहना मान ले, वैसे वाला फील एक बार और दे दे, पास इस बार अच्छे नंबर से पास कर दूंगा, 100 में से 100। और इस बार तो मैं राइटिंग के पैसे भी नहीं काटूंगा, बस तू मुझे किसी तरह जैसे हम वो केला वगैरह खाते ना, थोड़ा सा आइसक्रीम चूसते ना, उस टाइप का मजा दे दे। चल नहीं सर। अरे क्या सर सर क्यों बन रही, पिछली बार भी दी थी ना, इस बार फिर दे दे, पास कर दूंगा इस बार। प्लीज ऐसा मत करिए। अरे सब सही हो रहा है, कुछ गलत। अरे तुम क्या हो रहा है, अरे क्या रहा, जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है, मैं तो इसे बस एजुकेशन के बारे में बता रहा था। अच्छा वो तुम्हारे पास कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आते, एजुकेशन का शर्म नहीं आती? मैम हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, लोग ना शिक्षा को ना शिक्षा का मंदिर मानते हैं, और जो पढ़ाने वाले टीचर को ना गुरु का दर्जा दिया जाता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। और ना आगे से ये सब सोचना मत, वो तो अच्छा हो कि इसने मुझे कॉल करके बता दिया, मेरे तक बात है, अगर बाहर किसे बात है तेरे फाड़ के रख देते लोग, समझा? तुम बेटा टेंशन मत लो, ठीक है, घर पे जाके किसी को बताना मत, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो कितनी अच्छी बीबी है तुम्हारी, ठीक है, इतनी अच्छी बीबी है, इधर उधर मुंह मारता रहता है। हाँ पता नहीं मेरे जैसे कितने स्टूडेंट के तुमने कोई बात नहीं, अभी आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम बेटा अपने घर जाओ, इसको मैं संभालती हूँ, ठीक है, आगे से मैं हूँ। मैं तो जा रही हूँ, पर ऐसे हरकतें दोबारा किया ना मैं अपने माँ बाप को लेके आऊंगी, ठीक है, और पुलिस में भी कंप्लेन कर दूंगी। माफी मांगो उससे, माफी मांगो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। बहुत शौक है ना बच्चियों को फायदा उठाने का, हाँ कल को तेरे घर पे पैदा होगी तो कोई ऐसा करे तो शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा सब करते हुए? हाँ वो किसी की बेटी है ना, कल को तेरे घर पे भी हो सकती है, तो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज उठ जा, आगे से ऐसा करने की सोचना मत, नहीं डिवोर्स के पेपर ना मुंह पे मारूंगी, मरवाते रहना यहाँ बैठ के।